post distribution methods. Now 12th onwards jo methods hai, they all are the other methods which we can use out as per the our organization's policies. चलिए उसके अंदर एक मेथड देख लेते हैं, बाकी के मेथड्स हम कल देखेंगे. सो इन अदर मेथड्स द फर्स्ट मेथड व्हिच वी हैव द मेथड नंबर 12 इज द ग्रुप अप्रेजल्स. कि यहां पे क्या होगा, इन ऑल द प्रीवियस मेथड्स देयर इज ओनली वन इवेल्युएटर्स ऑब्जर्वर्स. कि कोई एक ही बंदा होता है कि जो हर एक एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करता है, इवेल्युएट करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ बायसनेस सब्जेक्टिविटी. तो ये जो लिमिटेशंस थी वो हर एक मेथड के अंदर कॉमन थी. देर आर द चांसेस ऑफ बायसनेस सब्जेक्टिविटी बिकॉज इफ द इवेल्युएटर एंड द पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैव द सम इश्यूज इन बिटवीन दैम देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड द इम्पैक्ट इन देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. तो वो लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ मोर देन वन अप्रेजर्स. कि जो इवेल्युएटर्स है, ऑब्जर्वर्स है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कंडक्ट करने वाला बंदा है, अगर वो ग्रुप में होंगे, मतलब एक से ज्यादा होंगे, तो क्या हो सकता है, हमें सही एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है. तो उसके लिए हम क्या है, ग्रुप अप्रेजल मेथड यूज कर सकते हैं. कौन कौन हो सकता है ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए, रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फिलअप करने के लिए. सो द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द इमीडिएट सुपरवाइजर्स. कि जो एम्प्लॉयज है उसका इमीडिएट सुपरवाइजर्स है वो हो सकता है. अदर क्लोज सुपरवाइजर्स के जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वैसे सुपरवाइजर्स, इवन मैनेजर्स और इवन हेड और इवन एक्सटर्नल कंसल्टेंट. कि भी बाहर से भी कंसल्टेंट को बुला सकते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड है, मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, ये सारे लोगों का ग्रुप होगा कि जो साथ में मिल के परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाएंगे. दिस ग्रुप मे यूज द एनी ऑफ द टेक्निक्स विच इज डिस्कस टिल नाउ. ये जो ग्रुप होगा वो कोई स्पेसिफिक मेथड चूज करेगा और वो मेथड के बेसिस पे कंसर्न एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा. देन आफ्टर द इमीडिएट सुपरवाइजर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द इनसाइट्स अबाउट द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, डिमांड, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस टू द अदर ग्रुप मेंबर्स. कि भाई जो सुपरवाइजर्स है वो बाकी के मेंबर्स के सामने कुछ चीजें रखेगा कि जैसे कि भाई वो जो एम्प्लॉयज है कि जिसको हमने ऑब्जर्व किया उसको कौन सा काम दिया गया है, वो काम के कैरेक्टरिक्स क्या है, वो काम करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी की जरूरत चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, काम को कैसे करना है, स्टेप नंबर वन क्या होगा, टू क्या होगा. तो वो जॉब के बारे में, जॉब की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जॉब की डिमांड के बारे में, ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड्स के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाकी के जो इवेल्युएटर्स है उनको समझाएंगे. फिर इसके ऊपर डिस्कशंस होगा एंड उसके बेसिस पे वो लोग रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे. सो इन दिस मेथड द इट विल एलिमिनेट द चांसेस ऑफ बायसनेस टू द लार्जर एक्सटेंट. कि भाई जो रिपोर्ट है वो सब लोग मिलके प्रिपेयर करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, सब जो इवेल्युएटर्स है वो सारे इवेल्युएटर्स एक दूसरे के साथ मिलके डिस्कस करेंगे. कि सुपरवाइजर्स ने सब बताया, उसके बाद सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो इंटरेक्शंस के एंड में क्या है, ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, वो एम्प्लॉयज कैसा है कैसा नहीं, वो सब लोग मिल के कंसर्न रिपोर्ट में फिलअप करते हैं. तो एक इंडिविजुअल बनाएगा और उसके कंपैरिजन में ग्रुप ऑफ अप्रेजर्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली बायसनेस के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे. तो ये हमारा एडवांटेज हो जाएगा मेथड का कि भाई ये जो मेथड है वो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी के चांसेस बहुत ही कम है. बट लिमिटेशंस क्या होगी, ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगी बिकॉज हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप डिस्कशंस होगा, वहाँ पे कुछ फेवर करेंगे, कुछ अनफेवर करेंगे और उसके बीच में डिस्कशंस होगा और डिस्कशंस के एंड में वो लोग उसका स्कोर्स प्रिपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे क्या है, रिपोर्ट बिल्डअप होता है. बट या क्या होगा, इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल के लिए डिस्कशंस होगा तो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए सबके लिए डिस्कशंस होगा, तो डेफिनेटली ये जो पूरी प्रोसेस होगी वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली है. तो ये मेथड जो है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. सो दिस इज द मेथड नंबर 12 इन आवर परफॉर्मेंस.